ये रही MT-15। तो भाई ये वर्जन 1 है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसके 5 एडवांटेजेस एंड 5 डिसएडवांटेजेस। शुरू अच्छा करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस से। तो भाई सबसे पहला एडवांटेज है इसका परफॉर्मेंस। तो 155 cc लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो भाई इसका जो टॉर्क है और जो पावर है ये 200 cc जो बाइक्स होती हैं उनको टक्कर देता है पूरी। और जो इसके क्या कहते हैं कॉर्नरिंग करते हो जब आप, तो पूरा कॉन्फिडेंस देती है, ऐसा नहीं लगता कि आपके नीचे से निकल जाएगी, पूरी चिपक के चलती है बाइक। दूसरा एडवांटेज है इसका कंफर्ट। तो मैंने इससे लॉन्ग राइड्स भी करी हैं। तो सोलो राइड में तो काफ़ी, अगर आप अकेले चला रहे हो तब तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है बाइक, पर आप पिलियन के साथ हो, अगर पिलियन थोड़ा हेल्दी है तो बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जब मैंने शुरू शुरू में, मतलब मैं यूज़ टू नहीं था इस पोजीशन का, तो मैंने मतलब पहली मैंने स्पोर्ट्स बाइक है जो मेरी, तो मैंने इससे पहले कभी चलाई नहीं थी। तो शुरू में मेरे को थोड़ा पैरों में पेन हुआ था, पर मैं यूज़ टू हो गया, बिल्कुल कम्फर्ट है। और एक और चीज़, इसका जो ये हैंडल बार है ये मैंने चेंज कराया है एग्रेसिव पोजीशन के लिए, जो इसका स्टोक वाला हैंडल आता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग राइड आप कर सकते हो इसमें, ये इसका एडवांटेज है। आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो ये खड़ी है। गजब बेइज्जती है। जो इसका तीसरा एडवांटेज है वो है इसकी माइलेज। अब भाई जिस तरह से भगती है उस तरह से बहुत लोग मतलब भागती, ओके जिस तरह से ये भागती है उस हिसाब से, मतलब बहुत लोग पूछते भी हैं मुझसे कि भाई ये तो बहुत कम माइलेज देती होगी, इतनी मतलब तेज भागे। वो चला के देखते हैं जब, पर तब मैं बताता हूँ कि भाई 45-50 ऐसे माइलेज दे देती है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि दूसरे दिन नहीं खड़ा होना पड़ता पेट्रोल पंप पे। इतना उदास मत हो, मेरे दिमाग में एक और स्कीम है। इससे टाइम की बचत, पैसे की बचत, यानी बचत की बचत। का चौथा एडवांटेज है वो है ही लाइट वेट है। तो अब जैसे जो बिगिनर होते हैं उनसे कई बार नहीं संभलती भारी बाइक, बाइक जैसे मेरे मुझसे भी, मुझे तो ये भी भारी लगती थी, पर अब यूज्ड हो गया तो अब नहीं लगती। तो शुरू शुरू में लग सकती है, पर बाकी अदर बाइक से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा हल्की बाइक है, और ट्रैफिक में भी ईजिली कटती है। इसका पाँचवा एडवांटेज है वो है इसकी सर्विसिंग कॉस्ट। तो ये बाइक अराउंड चल चुकी है 8,000 और मुझे 1 साल हो गया इसको परचेज़ करे हुए, और इसकी 4 सर्विसेज हो चुकी हैं। तो पहली जो 3 सर्विसेज थी उनकी कॉस्ट अराउंड आई थी 1200 ऐसी आई थी, और पर जो इसकी चौथी सर्विस हुई है उसमें इसकी कॉस्ट 2-3 ऐसी मुझे याद नहीं है, 3,000 तक गई है। भाई अब बताता हूँ मैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो है वो है भाई इसका, ये जो दे रखे हैं उन्होंने लोग यहाँ पर, तो कई यहाँ पे मैंने इसकी टेल टाइड ही होती है जो मैंने छोटी कराई हुई है, तो जो बड़ी वाली होती है उसमें तो उसके यहाँ पे थोड़ा वो गार्ड सा दिया होता है इन्होंने, कि ये ऐसे ओपन करने के लिए, अरे फोकस हो जाओ, ऐसे ओपन करने के लिए दिया होता है जिससे इसमें कचरा वगैरह नहीं जाता। अब इसमें मैंने लगा रखी है तो कुछ है नहीं, यहाँ पे कचरा वगैरह फंस जाता है तो ये खुलती भी नहीं है। अगर ये लोग यहाँ पे दे देते जैसे उसमें R15 में था, या ये सेपरेट दे देते हैं, पूरी सीट खोलनी पड़ती है अगर यहाँ पे कुछ रखने हो डॉक्यूमेंट वगैरह, तो मैं तो उस बैग में ही कैरी करता हूँ। इस डिस्क्लेमर दे दूँ, ये V2 नहीं है, ये मैंने रैप कराया है बस। हमको सिखा रिया है। और ये यहाँ पे हम आ रखे हैं, दिस इज आवर खेत। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, अब यार डिसएडवांटेज कहें बस तो क्या बोलना, क्योंकि अब जो बंदा परचेज़ कर रहा है बाइक को उसे दिख ही रहा है वो चीज़ कि इसकी सीट छोटी है। तो चलो रख लेते हैं डिसएडवांटेज में, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग की वजह। कि मैं तो वैसे यार सबको ही परचेज़ करने से पहले पता है, दिख ही रहा है कि सीट छोटी है, तो बंदा डिसएडवांटेज के साथ ही इसको ले रहा है। पर एक चीज़ है ज़रूर है कि जब इसमें दो बंदे लॉन्ग राइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, क्योंकि जब आप जब जैसे मान लो आप राइड कर रहे हो, आपने कोई पैनिक ब्रेकिंग कर दी, ठीक है, अब पीछे वाले को नहीं पता कि आप ब्रेक मार रहे हो, तो आप यहाँ बैठे हो वो आपके ऊपर बजेगा और आप यहाँ पे पुम। और क्योंकि भाई जब कहीं लॉन्ग राइड पे हो या कहीं भी हो तो बोरे ब्रेकिंग बहुत बार होती है, तो ये बंदा यहाँ बैठेगा अगर, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा।
और अगर आपने एकदम एक्सेलरेशन दे दी भाई भाई ये बंदा यहाँ भी पहुँच सकता है। तो अब मैं तो यार प्रेफर करता हूँ सोलो राइड ही। झूठ बोल रहा है। जो इसका तीसरा डिसएडवांटेज है, तो भाई जो इसका तीसरा डिसएडवांटेज है वो है इसका सस्पेंशन भाई। अगर थोड़ा सा भी छोटा सा भी खड्डा हो तो ये पूरा बताती कि हाँ रोड पे खड्डा है। एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे सड़कों का काम चल रहा है, मतलब ये तो ऐसे लगता है मैं लद्दाख की राइड पे निकला हूँ जब मैं घर से निकलता हूँ। इतने ज़्यादा खड्डे और मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भाई जो इसका चौथा, अब ये भी वही चीज़ हो गई कि आपको परचेज करने से पहले वो लोग बता ही देते हैं, आपको पता ही होता है कि ये सिंगल चैनल ABS है, पर फिर भी चलो इसको भी रख लेते हैं डिसएडवांटेज में। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रांडिंग तो दे दी ABS की, पर पीछे पिछले वाले टायर में है ही नहीं ABS। तो जिस तरह की कॉस्ट ले रहे हैं तो इनको सेफ्टी पर्पज़ के लिए ABS तो देना चाहिए था मेरे हिसाब से। और हमें लग रहा था, हम सबको ही लग रहा था कि वर्जन 2 में इसके शायद डुअल चैनल ABS आ जाए, पर उसमें भी नहीं आया। पर हाँ एक बात ज़रूर है कि इसके अगली ब्रेकिंग है जो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगली ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। जो इसका पांचवा मुझे लगता है डिसएडवांटेज है वो है इसकी लाइट का थ्रो। तो रात के टाइम तो भाई मेरे को वैसे भी चश्मे लगे हैं तो मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं दिखता रात में, कोई इसकी लाइट है नहीं। अगर मतलब स्ट्रीट लाइट भी ना हो तो बस हो गया, कुछ नहीं दिखता भाई, फिर तो भगवान भरोसे चलती है गाड़ी। यही है, यही है।